करना चाहें तो कर सकते हैं। आज थोड़ा सा सेटअप चेंज है, तो क्योंकि ये सेटअप इसलिए चेंज है कि लेट होने की वजह से ये हमारे दो कैमरामैन हैं और भाई हैं, दोस्त हैं, ये आए हैं लेट, ठीक है, इनकी वजह से आज सेटअप थोड़ा चेंज है और हम इंशाल्लाह डिफरेंट तरीके से देसी जो होते हैं ना, क्योंकि मैं ज़्यादा देसी यूज़ करता हूँ, ना कि ये बॉयलर हो ये दूसरी चीज़ हो ना, तो जो घर में नॉर्मल आपके पास मसाले होते हैं उन मसालों से हम इंशाल्लाह मटन पुलाव बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा बनता है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए प्याज, ठीक है, दरमियाने साइज़ के हमने चार प्याज ले लिए हैं। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, आज साथ ही हैं वो मेरे, कहते हैं भाई जी मटन पुलाव चाहिए, मटन पुलाव खाना है, तो मैंने कहा चले ठीक है। और साथ में उन्होंने एक की रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा था हर हर बाइट के साथ ना मुझे मीट, हर बाइट के साथ पंजाबी लोग कहते हैं ना कि बोटी चाहिए, हर यानी बाइट के साथ मुझे बोटी चाहिए, ठीक है। तो एक किलो चावल में हम दो किलो मटन डालेंगे, ऑयल यूज़ करेंगे, सिर्फ हाफ कप, हाफ कप इसलिए क्योंकि मैंने जो मटन लिया है ना वो मैंने लिया रिब का, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना गडेरी, उसके साथ पहले फैट बहुत ज़्यादा है, हम चावल बना रहे हैं हम कढ़ाई नहीं बना रहे, तो इसमें ज़्यादा फैट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, जो इसका नेचुरल फैट है ना उससे मज़ा आएगा। और ये घूरते हुए हमको देखे जा रहे हैं हाल गर्म हो गया, इसमें प्याज डालेंगे।
आग पे इसको हम पकाएंगे। आग दिखाएं भाई जरा। भाई लेट थे और फिर मटन का तो अपना ही एक लेवल है, उसको तो एक घंटा चाहिए पकने के लिए। अभी उसको मतलब टी रेडी किया और उसमें अब चावल ऐड करने लगे हैं। लेकिन चावल ऐड करने से पहले उसका एक पानी लेवल और उसका नमक वो चेक कर लेंगे। नमक मैंने चेक कर लिया इसका, पानी थोड़ा सा ऐड किया था इसमें, ठीक है। और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने 1 किलो चावल भिगो के रखे हुए थे। पानी इसमें कम हो रहा है तो अभी इसको टाइम देंगे हम कि अच्छे से पानी को थोड़ा ड्राई कर ले। लेकिन थोड़ा सा पानी रहेगा इसमें जब गुब्बारे बनेंगे इसके, तो तब हम इसको लगाएंगे दम। पानी खुश्क हो गया इसमें से, अब हम चेक करेंगे इसमें चावल की कनी। एक चावल लेंगे हम, ठीक है, उसको ऐसे करेंगे। इसमें 4 से 5 कनियाँ होती हैं, तो ये चावल अब तकरीबन रेडी हैं दम के लिए और इसमें से पानी भी यानी कम हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से जो आग है उसको कम करेंगे नीचे, क्योंकि आग अभी नहीं चाहिए हमें। ज़्यादा आग होगी तो चावल को ख़राब करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अदरक 2-3 ग्रीन चिली और धनिया। और एक साफ कपड़े से इसको कर देंगे हम कवर। इसको अभी 15 से 20 मिनट हम रखेंगे दम पे, तो उसके बाद इंशाल्लाह चेक करेंगे हम। बिस्मिल्लाह, दम चेक करेंगे जी। माशाल्लाह, एक साइड से इसको देख लेंगे। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। इसमें
में दही ऐड करके चटनी रेडी की है और ये जनाब हमारा पुलाव रेडी है। So